अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है कि सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल, लेकिन आज आप लोगों को बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी। आज मैं जा रही हूँ लोकल बाज़ार। मुझे तो ऐसी चीज़ें देखने का बड़ा मज़ा आता है और जाने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन बाज़ारों में एक तो बड़ी रौनक होती है, दूसरा इनकी एक अलग ही फील होती है, एक अलग ही वाइब होती है इन बाज़ारों की। दूसरे वो वाले लोकल बाज़ार जो कि आपके बचपन से रिलेटेड होते हैं, तो उससे जो है ना वो आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं और आप लोगों को काफ़ी कुछ याद आ जाता है, तो उनकी तो एक अलग ही बात होती है। तो अभी हम लोग आप ही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप ही ने भी कुछ पतीले शतीले ले तो इस वजह से जो है ना उसको भी पिक करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस आज आप लोगों को मैंने जो है ना वो अपने साथ दिखाना है और आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आएगा। और आप ही की तरफ आए तो आप ही ने KFC मंगवाया हुआ था। अच्छा, ये वाले जो विंग्स हैं ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, बड़े मज़े के थे। थोड़ा सा अगर आप लोगों को स्वीट एंड वो सोर टेस्ट पसंद है ना, तो फिर आप लोगों को ये वाले पसंद आएंगे KFC के विंग्स। और यहाँ पे देखें कितने मज़े से ऊपर चढ़ी हुई थी, मुड़ा रख के शेल्फ के ऊपर साथ खड़ी हुई थी लग के कि मुझे अब जो है ना वो चिकन दे दो, इसको बहुत पसंद है विंग्स KFC के। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और मैंने कहा कि मिल के तीनों माँ बेटियाँ जो है ना वो इन्जॉय करती हैं। ऐसे बड़ा मज़ा आता है जब आपकी बहनों की भी शादी हो जाती है, तो फिर आपको बहुत ऐसे कम टाइम मिलता है कि आप इकट्ठे बैठो। और चाय वाला ख़ास तौर पे जो टाइम, टी टाइम मुझे करना अपनी बहन के साथ या अपनी अम्मी वगैरह के साथ ना, इसकी एक अलग ही फील होती है। और उसके बाद हम लोग फिर अभी निकल पड़े, और जब भी लोकल बाज़ार जाना होता है हम लोग फुल कवर्ड और ये मास्क लगा के और साथ में बड़ा सा एक चादरा ले के, मैं क्योंकि घर से नहीं ले गई थी, फिर मैंने आप ही से जा के लिया कि आप मुझे कोई शॉल दे दो। तो ये हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं। और ये नूरफाल में इतना इन्जॉय कर रही थी, आप लोगों ने देखा उसकी शक्लें जब वो कैसी बन रही थी रिक्शे पे, उसको मज़ा आ रहा था। तो मैं जो है ना वो इसीलिए बाज़ार में भी व्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए, आप लोग भी बाज़ार को देख सको। और बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपके पास जो एरिया के लोकल बाज़ार है वो कौन सा बाज़ार लगता है। तो जी वो तल्ला बाज़ार है, मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, लेकिन हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। मैं बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ इस बाज़ार, और वो भी मेरा दिल कर रहा था, मामा और आपी ने जाना था बेसिकली, तो मैंने कहा कि मामा मैं भी चलती हूँ क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा है जाने का। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत सी चीज़ें याद करा देती हैं। अगर तो आप लोगों ने इछरा बाज़ार देखा हुआ है ना, तो इस बाज़ार की भी वैसी वाली वाइब है, लेकिन ये है कि इछरा बाज़ार बहुत ज़्यादा, हर टाइम वहाँ बहुत रश होता है, क्राउडेड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इतना रश नहीं होता। हाँ, लेकिन जब कोई मतलब जैसे ईद के डेज़ होते हैं, रमज़ान में, या फिर ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। और मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे मुझे ना इस बाज़ार के ऊपर कोई असाइनमेंट दी गई है बनाने के लिए तो खैर मज़ाक की बातें तो अलग, हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे एक बाज़ार में, बहुत बड़ी जो है ना वो बर्तनों की शॉप है, और यहाँ से काफ़ी अच्छी जो है ना वो क्रॉकरी मिल जाती है। और वैसे भी मेरे दोस्त के मामू की शॉप है, तो मैं मुझे यहाँ पे आके ना उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो मेरा व्लॉग भी देखेगी तो उसने कहना हाँ आती हो यहाँ पर, लेकिन बताती नहीं हो कि बंदा मिलने ही आ जाए। तो मानूर आई एम मिसिंग यू, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में उसको मैसेज भी दे देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अभी मामा देख रही थी कुछ चीज़ें जो कि मामा को चाहिए थी, और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ ही दिखा देती हूँ। और मुझे हमेशा की तरह छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा यहाँ पे अगर कोई काम की चीज़ें घर के लिए तो वो ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड तो जितने भी घर में हो वो कम होते हैं, तो मैंने यहाँ से वो भी लिया। और भी कुछ चीज़ें लिए, विस्कर वगैरह और ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ली। उसके बाद हम लोग आगे बेडशीट्स वाली शॉप पर, और मामा जो है ना काफ़ी सारी बेडशीट्स यहाँ से लेती होती हैं। तो यार मैं खुद को देख रही थी मास्क में, सांस गुम कर करके ना मेरा बूथा लालो लाल तो मैंने कहा मैं ज़रा देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे सांस आया था, पता नहीं अब कोविड के टाइम पे तो मास्क लगा लगा के फेस पे आए आए बाहर से बिल्लियाँ बोल रही हैं वॉइस ओवर करते हुए। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि कोविड के टाइम पे शुक्र है वो टाइम गुजर गया, वो इतना अजीब टाइम था ना कि मास्क लगाना भी ज़रूरी होता था और मेरा दम घुटता था लगाने के बाद, और उसी की वजह से मुझे एक्नी हुई थी मतलब मास्क लगा लगा के ना। तो थैंकफुली कि वो टाइम गुजर गया और अल्लाह जो है ना अब हमें ऐसी आफतों से मुसीबतों से दूर रखे, और आप सबको अपने सामान में रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। और ये जी मामा को बेडशीट पसंद आ गई थी और मामा को कलर भी काफ़ी ये मज़े का लग रहा था। आप लोग शॉप का नेम पूछेंगे तो क्योंकि ये ऑनलाइन काम तो करते नहीं है, इसलिए फिर मैं बताती ही नहीं हूँ कि क्या फ़ायदा आप लोगों को नंबर देने का या दुकान का बताने का। हाँ, जो आसपास के एरिया में रहते हैं उनको तो ऑलरेडी इनकी शॉप का पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा फिर एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, वरना मुझे बहुत से लोग, जब भी मैं इनकी चीज़ें दिखाती हूँ, मुझे बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें शॉप का बता दें, शॉप का बता दें, तो उसके लिए इसलिए मैं माजरत कर लेती हूँ कि वो ऑनलाइन काम नहीं करते हैं। तो उसके बाद फिर जी मैंने घर आके ये बनाया था, रैप बनाया था।
तो ये रैप ब्रेड मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो यानी एक्सपायर हो तो मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बाद में बड़ा अफसोस होता है अगर अक्सर, क्योंकि मैं एक खाने वाली होती हूँ, मम्मा पापा तो इतनी चीज़ इस तरह की चीज़ें शौक से खाते नहीं है, तो जब ब्रेड आपको पता 2-3 दिन में एक्सपायर होती है ना, तो मुझे बड़ा ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है जितनी मैंने खानी खा लूँ बाकी जो है ना मैं हेल्पर्स को खिला देती हूँ ताकि चीज़ ख़राब ना हो। फिर ये अभी मैं वो बना ही रही थी और हमारे नेबर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें आ गई, मिठाई आई थी और साथ में जो है ना वो था तबरुक, ये सारी चीज़ें थी साथ में ना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं रैप ना ही बनाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने नगेट्स वो एयर फ्रायर में लगा लिए थे, फ्राइज भी थोड़ी सी, तो बस उसी के अंदर मैंने रैप करके बना ली। साथ मैंने आज सुबह से चाय नहीं पी थी तो मैंने चाय पी, तकरीबन 7:30 बजे करीब मैंने डिनर कर लिया था और उसके बाद फिर मैं जो है ना वो अपना कहवा पीने लगी हूँ। आप सबको मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अगर किसी को अभी भी ना समझ आई कि मैं कितने मील्स लेती हूँ, मैं सिर्फ दिन में 2 मील्स लेती हूँ, और सारी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कल की वीडियो में जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। सारी अपनी डाइट की इन्फॉर्मेशन अब तो मैं मेंटेन कर रही हूँ, तो अभी आप लोगों ने मेरे ऊपर नहीं जाना कि मैं ये खा रही हूँ वो खा रही हूँ। अगर किसी ने वेट कम करना तो वो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे एक मास्क आया हुआ था, किसी पेज ने भेजा था इंस्टाग्राम पर, मेरे ख्याल से उनका नाम था ड्रॉप्स बाय दीवास, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा मास्क था, क्योंकि लगाने के बाद मेरी स्किन जब मैंने उतारा ना 10-15 मिनट के बाद, तो बहुत सॉफ्ट फील हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि स्मूथ सी हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने कहवा पिया और मैं सो गई। तो नेक्स्ट डे जो है ना, अभी मैं बना रही हूँ भिंडी, तो भिंडी जो है वो इसने थोड़ा सा ऑयल में झाग झाग इसलिए हुई हुई है क्योंकि मैंने वो सिलिकॉन का चम्मच यूज़ कर रही थी, तो अक्सर सिलिकॉन के जो स्पैचुलास होते हैं ना, तो वो ऑयल में जब आप यूज़ करते हो तो वो थोड़ी सी झाग उनकी बन जाती है। तो ये मटन ऑलरेडी हमने बना लिया हुआ था, प्याज भी थोड़े से मैंने फिर फ्राई कर ली और भिंडियाँ भी, और ज़्यादा भिंडियाँ फ्राई करके वो जो ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है ना, वो फिर मुझे मज़े की नहीं लगती, इसलिए मैंने बहुत कम फ्राई की थी। और इसके ऊपर टमाटर भी डाल दिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम देख लेंगे कि अगर कोई मिर्चों की या स्पाइस की ज़रूरत है तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर ये हमारी फ़ाइनल हो जाएगी रेडी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई, क्योंकि मैंने सुबह से अभी कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा था ये भिंडियाँ बनेगी तो डायरेक्ट जो है ना मैं रोटी ही खाऊँगी, तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब। अच्छा, आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं नॉन स्टिक के ऊपर ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत एहतियात से करती हूँ, अगर मैं करूँ तो मैं इसको ना टच नहीं होने देती हूँ नॉन स्टिक के साथ, बस मैं ऊपर ऊपर से चीज़ को हिला देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने क्या बताना था, हाँ उसके बाद मैं ये बता रही थी कि मैंने अभी सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, क्योंकि जब भिंडियाँ बन रही होती हैं ना तो फिर मेरा मुझे इतनी पसंद है कि मेरा दिल करता है मैं उसी के साथ खाऊं, तो मुझे ये था मैं तकरीबन 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब जो है ना वो डायरेक्ट खाना ही खाऊँगी। और क्योंकि मैं हर व्लॉग में तकरीबन खाना मतलब ही दिखा रही होती हूँ, और 3-4 दिन का व्लॉग एक साथ होता है, तो लोगों को लगता है कि शायद मैं सारा दिन खाना ही खाना खाती रहती हूँ, खाना ही खाना खाती रहती हूँ, तो मैं सिर्फ दिन में 2 मील्स लेती हूँ, मैं बता बता के थक गई हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मैं हर टाइम खा ही रही होती हूँ। तो ये मैंने फिर जो है ना वो चाय बनाई थी, क्योंकि आज मैंने ब्रेड और ये सब चीज़ें नहीं खाई थी, वरना मैं ब्रेड के साथ ही चाय बना लेती होती हूँ, तो फिर मैंने खाना खा के सुकून से दोपहर को 3-4 बजे चाय पी और मज़ा आ गया। और कल जो नेबर्स की तरफ से मिठाई आई थी वो भी खाई थी, मैंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की थी, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो accessorwear.official पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चाय पियेंगे, उसके बाद फिर शाम को छोटा मोटा कुछ खा लेंगे, और उसके बाद कहवा पियेंगे और सो जाएंगे, बस इन्नी जी कहानी सी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना।